इस साइड में रखते हैं, आपको सैंपल दिखाता हूँ। पहले तो ये कार्ड है, दस्तरखान लग चुका है, ये पंजाब से आए हैं। हाय दिस इज साहिल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। वेलकम टू द डे 11 ऑफ रमदान। अभी आपका कुछ वॉइस डिफरेंट आ रही होगी मेरी, क्योंकि मैंने माइक मंगवाया है। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं पंजाब से। तो वो लोग 11 बजे निकल गए थे वहां से, 11 या 12 बजे निकले होंगे, तो वो सहरी तक आ जाएंगे, सहरी तक आने वाले होंगे। क्या पता हम सहरी साथ में करें, क्या पता हम अलग अलग करें। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज डे 11 है, और आज ये जो ये मैं कार्ड्स लेके आया था, इन पे ना फ्लावर्स लगने रह गए थे। पहले तो ये कार्ड है, इनके फ्लावर्स ही नहीं मिल रहे, ये बाद में करेंगे। अभी 4 बज चुके हैं। तो ये कार्ड है, अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इस पे फ्लावर लग चुका है, वाह 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 वाह, क्या कार्ड है। लुक देखो जरा, ये सेल्फ डिजाइन्ड है, खुद डिजाइन करा, बस प्रिंट बाहर हुआ था। और ये तो मैं पैक कर दूंगा। और ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भाई साहब, ये पंजाब से आए हैं। अब जो है ये इनकी ससुराल बन चुकी है, तो इन्हीं की खुशी में आने की आज हम सब इकट्ठे रोज़ा खोलेंगे। और अभी असर का भी टाइम हो रहा है नमाज का, अब असर से आके फिर तैयारियों में देखते हैं क्या क्या मेरे लायक काम है, क्या क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरे हिस्से में आ गई है, फटाफट कर देता हूँ मैं कार्ड वार्ड का काम। मैं तो अपने अलग रखूंगा, तुम अल्लाह की कसम समीर भाई, अजान का टाइम हो गया। ये इसका पैनल्स का काम होली के बाद से स्टार्ट होगा। इनको सबको हम दिखाने देंगे बेडरूम में, यहाँ पे सोफे आ जाएंगे, इधर नहीं और ये किचन नीचे है यार। जैसा छोड़ के गए थे पेंट वेंट टाइमिंग है, अब काम छिड़वा देता हूँ ये, फिर अब तो ईद के बाद करेंगे हम नीचे भी, चलो शादी के बाद। अब नमाज पढ़ के आए हैं सर की, अब सारे काम पे लग जाओ भाई। पबजी वबजी नहीं खेले है कोई, पहले जो बड़ी बड़ी पार्टी थी उसमें लोग साथ कार्ड लेके जाएगा, एंट्री कार्ड होती है जो होटल्स वगैरह, तो इस पे लिख दो, एंट्री ओनली विद कार्ड है। नहीं, बार कोड जो ये लोकेशन वाला है ना, ये बार कोड वो वाला करवाओ जो मूवी में भी दिखाते स्कैन वाला, वैलिडेशन के लिए है। हां हां भाई, क्या है, ओके डन, गेस्ट लिस्ट दे दूंगा उनको मैं, मैच कर लेंगे। अभी उस पे लिखा हुआ आना चाहिए कि दो बुलाए थे या चार, टिकट रख लूं शादी का। नहीं अरे वो जो उसे बुला, वो जो बाहर से भी तो आवे ना, मुल्तानियों का तो और बहुत सारे जिंदगी में दोबारा शादी अटेंड करेंगे। दस्तरखान लग चुका है, तो यहाँ हम रोजा इफ्तार करेंगे। बाकी और भी आइटम्स हैं कुछ जो अभी बन रही हैं इन मेकिंग, वो देख के आते हैं। ये यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये तो फ्रूट्स हुए और ये पकौड़ी वगैरह। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. होली के लिए ये भी लगा रखा है, होली भी आ रही है, 25 तारीख की होली है। इफ्तार करके
हर किसी से जिम जाया नहीं जाता, ये भी एक बात है। मैं तो बड़ा लाइट खाता हूँ, क्योंकि जो हैवी खाते हैं वो जिम जा नहीं पाते। जिम से पहले लाइट खाना चाहिए, आज तो वैसे भी लेग है। ये मेरा पुराना स्कूल है, न्यू सरस्वती, 9th-10th मैंने इसी में ही किया। ये व्लॉग एंड करते हैं फिर। अभी तक आपने देखा हमने साथ में इफ्तार किया, और अब साथ में यहाँ पे आए हैं साकेत। तो ये वाला जो करंटली व्लॉग अब मैं बना रहा हूँ, ये वाला व्लॉग देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कल फिर से आना। गुड बाय।